और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी खतरे में आती है तो वो संविधान खतरे में है का नारा देकर जनता को गुमराह करती है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा है और यह भी कह दिया कि संविधान जन्म के आधार पर भेदभाव मिटाने का संकल्प करता है, लेकिन वहां पर एक घराना ही पार्टी का तंत्र चलाता है। दरअसल कल ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक थी और सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तल्ख तेवर कांग्रेस को लेकर, परिवारवाद को लेकर, संविधान को लेकर जो लगातार कांग्रेस की तरफ से बातें कही जाती है, उसी पर सीधे तौर पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि जब जब कांग्रेस कमजोर पड़ती है या कांग्रेस खतरे में आती है तो वो सीधे तौर पर संविधान खतरे की बात कहती है और देश को गुमराह करने का विषय उठाती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि संविधान, भारत का संविधान सुरक्षित है, खतरे में रखने वाले बात करने वाले लोग दरअसल खुद खतरे में रहते हैं और इनकी आदत है फूट डालो और राज करो। संविधान के नाम पर ये हमेशा केवल देश में संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया कि आपातकाल लगाकर और राजीव गांधी ने साहबानों के विषय पर संविधान की स्पिरिट को कुचल कर यह काम किया। बहुत सारे कांग्रेस के तमाम विषयों को उन्होंने कल मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान उठाया। यही नहीं, उन्होंने धारा 370 हटाने की बात, सिद्धन नागरिक कानून, गोवंश हत्या पर पाबंदी जैसे विषय पर भी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। कल की जो बैठक रही, कल की बैठक में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो एनडीए के कुंबे को है एक तरह से मैसेज दिया कि आप एकजुट रहिए और देश हित में काम करते रहिए, पब्लिक सब देख रही है। और उन्होंने कांग्रेस के मामलों में साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के बहकावे में, कांग्रेस के फूट डालो राजनीति करो वाले विषय पर आपको ध्यान नहीं देना। दरअसल हाल ही में चुनाव हुए हरियाणा के और हरियाणा के चुनाव में जो परिणाम है उसको लेकर वो मुख्यमंत्रियों से उन्होंने यही कहा कि इन्होंने कांग्रेस ने बहुत गुमराह करने की कोशिश की लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया। और मिलाकर नीरज, इस बैठक के जरिए और जो कांग्रेस पर प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा उसके जरिए एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे थे उन्हें एकता का संदेश देने की ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रही है। शुक्रिया आपका नीरज, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।